हेलो एवरीवन, होली पर कितने ही पकवान बना लो, अगर गुजिया नहीं बनाई तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया की रेसिपी शेयर, बहुत ही खस्ता अंदर से एकदम नरम गुजिया बनकर तैयार हुई है। और बनाना तो इसको बहुत ही आसान है, इसको बनाकर आप एक महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप इसको एंजॉय करें। तो चलिए देखते हैं इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी गुजिया को कैसे बनाते हैं। तो ये गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले 3 कप मैंने मैदा लिया है, ये 1/2 kg से थोड़ा सा कम होगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें 1/4 स्पून नमक ऐड किया है मैंने। अब ये 3 कप मैदे के हिसाब से मैंने इसमें 1/2 कप मोइन के लिए घी डाला है। आप यहाँ पर घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिठाई कोई भी हो वो घी में ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हमें घी और मैदे को एक साथ मिक्स करना है। इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स करें। थोड़ा सा हाथ में इसको लेकर देखें, अगर ये आपके हाथ में बन रहा है, फोल्ड हो रहा है, तो आप समझिए कि आपका मोइन इसमें बिल्कुल परफेक्ट डला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे। हमें इसका हार्ड डो तैयार करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए ही पानी डालते हुए इसका आटा तैयार करें। तो ये देखिए गुजिया के लिए आटा तैयार हो गया है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब एक पैन में ये मैंने 1/2 kg मावा लिया है। मावे से बनी गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप चाहे तो यहाँ पर सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, खाली सूजी से भी बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार होती है। तो ये मावा हमारा रोस्ट हो चुका है, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, बस थोड़ा सा ही इसको रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये सारे मावे को मैंने निकाल लिया है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये सेम पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाला है और ये 3 टेबल स्पून इसमें सूजी ऐड की है। सूजी डालने से फिलिंग्स में एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये 4 चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर डाला है। अब ये थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं मैंने, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़े से किशमिश ऐड की है। अब यहीं पर आप शुगर ऐड कर दीजिए, ये 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड की है, और शुगर को आप इसमें पीस कर ही डालें। यहाँ पर आप बूरा या खांड का यूज़ भी कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 हरी इलायची को भी मैंने इसमें क्रश करके डाल दिया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये कढ़ाई को मैंने गैस से उतार लिया है और अब हम इसमें अपने मावे को डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है तो ये ठंडा नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि गुजिया में फिलिंग भरते हुए फिलिंग हमारी ठंडी होनी चाहिए, तो इसलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आटे को आप एक बार और अच्छे से मसल लीजिए और अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। अब हम इनसे गुजिया बनाएंगे। तो ये गुजिया बनाने का मोड लिया है मैंने, मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है। अब एक आटे का पेड़ा लेंगे, इसको हाथों में गोल गोल घुमाते हुए फिर हम इसको बेल लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं उसी तरह हमें इसको बना लेना है। अब हमने जो मावे वाली फिलिंग बनाई है वो इसमें 1 चम्मच भर कर डाल देंगे, ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो फिलिंग्स बाहर आ जाती है। इसके साइड में थोड़ा सा पानी लगाते हुए इसको चिपका लेंगे और फिर मोल्ड को बंद कर देंगे। हाथों से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, अच्छे से दबाते हुए फिर इसके साइड्स को निकाल देंगे। इसको आप वापस से आटे में मिला लीजिए। अब धीरे से मोल्ड को ओपन करेंगे और देखिए हमारी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो ये इसी तरह सभी गुजिया को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते हुए आपका घी या ऑयल मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए।
और इसको धीरे धीरे फ्राई होने दीजिए। थोड़ी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा और जब ये गोल्डन कलर में आ जाएगी तो आप इसको निकाल लीजिए। तो ये देख सकते हैं हमारी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब बाकी की बची हुई गुजिया को भी आप इसी तरह फ्राई कर लीजिए। तो इसी तरह से सभी गुजिया को फ्राई कर लीजिए और निकाल लीजिए। तो ये देखिए सेकंड बैच की गुजिया भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम ये चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं। तो एक पैन में मैंने एक गिलास पानी लिया है और इसमें एक कप मैंने चीनी ऐड की है। इसमें उबाल आ जाएगा और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा हाथ पे लेने पर देखेंगे कि ये थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाएगी। तो समझिए आपकी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम अपनी तैयार की हुई गुजिया को इसमें डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको इसमें रहने देंगे, जिससे कि गुजिया में चाशनी हमारी अच्छे से मिल जाए। तो बस हमारी परफेक्ट गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने चाशनी में से इनको निकाल लिया है। अब आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। इस होली पर आप इसको जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनकर तैयार होती है। इनको स्टोर करके भी आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर ले, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।